नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यू में। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से हर किसी की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर चारों तरफ हर कोई चिंतित नजर आ रहा है, और चिंतित इसलिए भी है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सहित कई जिलों में ऐसा ही हो रहा है, जिसने हर किसी की चिंता का एक बार फिर से बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीते एक हफ्ते में डेंगू जैसे बुखार की वजह से लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 32 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि फिरोजाबाद में डेंगू जैसे बुखार से 10 दिनों में करीब 53 लोगों की मौत हो चुकी है और 186 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। इसमें करीब 45 बच्चे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले की जांच अब बिठा दी है और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड को इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत होने पर जिला प्रशासन ने पहले से 8वें दर्जे तक के स्कूल जो है एक हफ्ते पहले से बंद कर दिए हैं। फिलहाल अब मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या से अस्पतालों में हालात भयावह होते नजर आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की टीम ने भी मृतक और बीमार बच्चों का सैंपल लिया था। आशंका थी कि कहीं कोरोना की किसी नए वेरिएंट से तो मौतें नहीं हो रही है। हालांकि अब तक की रिपोर्ट में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है, और लगातार हालातों को बिगड़ता देख CM योगी भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं और 3 बड़े आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि CM योगी की तरफ से जो 3 बड़े आदेश जारी किए गए हैं वो क्या हैं। CM योगी ने कहा है कि CMO डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ को उन्होंने हटाकर उनकी जगह पर डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी को चार्ज दे दिया है। साथ ही बता दें जांच के लिए 11 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम जो है वो फिरोजाबाद जाएगी, और ये टीम बच्चों का इलाज करेगी और बीमारी का कारण का पता भी लगाएगी। वही साथ ही सभी बच्चों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। तो ये 3 जो थे वो बड़े ऐलान और आदेश थे जो CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए थे। वहीं देखिए फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में हालात खराब होते जा रहे हैं। यहां हर घंटे 8 से 10 बीमार बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं। इससे बेड का संकट भी पैदा हो गया है, यानी कि स्थिति फिरोजाबाद में दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। और ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर ही ज्यादा हुआ तो हालात क्या होने वाले हैं, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। बता दें कि बच्चों पर इस बुखार का सबसे ज्यादा असर है। ऐसे में बच्चों को ये बुखार आता है, कमजोरी महसूस होती है, लोग अस्पताल ले जाते हैं और 1 या 2 दिन में उनकी मौत हो जा रही है। चलिए अब आपको इस रहस्य में बुखार के लक्षण भी बता देते हैं जो लक्षण लोगों में पाए जा रहे हैं। देखिए लक्षण इसमें यह है कि तेज बुखार आता है, और तेज बुखार ऐसा कि 102 डिग्री से ऊपर बुखार होता है। डिहाइड्रेशन की समस्या मरीजों में दिखती है, ऐसे में गला सूखना भी मरीजों को महसूस होता है। वहीं शरीर में जो है खुजली भी होती है हल्की, और अचानक प्लेटलेट्स काउंट में गिरावट आना, ये वो तमाम लक्षण हैं जो इस बीमारी से लोगों को महसूस होते हैं। वहीं मथुरा में भी बता दें फिरोजाबाद के बाद अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 का भी इलाज जो है वो चल रहा है। वहीं मथुरा की फरहा ब्लॉक के कोहो पिपरोट और रेपुरा जाट गांव में अभी तक 60 से ज्यादा लोग बीमार हैं। यहां पिछले 15 दिन में 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ऐसे में पिपरोट गांव में बुखार से सबसे ज्यादा 20 से 25 लोग बीमार हैं। यहां पिछले 4 दिनों में 2 की मौत हो चुकी है। वहीं रेपुरा जाट गांव में 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। ऐसे में मथुरा में महामारी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि अभी तक जनपद में 11 बच्चों सहित 13 लोगों की जिंदगी को ये महामारी निकल चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग अब तक दहशत के साए में अपना जीवन काट रहे हैं। बता दें फरहा के कोहो गांव में 50 से 60 परिवार ऐसे भी हैं जो कि गांव में फैली महामारी की वजह से गांव से कहीं दूसरी जगहों पर अपने घर पर ताला लगाकर पलायन कर चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब तक गांव के पानी के साथ लोगों की जांच भी करवाकर यही पता
लगा पाया है कि गांव में डेंगू और मलेरिया के साथ कुछ अन्य बीमारी के लक्षण भी मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इलाज किया जा रहा है उससे ग्रामीणों को कोई ज्यादा लाभ होता नहीं दिख रहा। जबकि गांव में दिल्ली और लखनऊ की टीमें भी कैंप लगाकर ये पता लगा रही है कि आखिर गांव में फैले इस महामारी की वजह आखिर है क्या। वहीं सहारनपुर की बात कर ली जाए तो सहारनपुर के टपरी करा गांव में लगभग हर घर में एक व्यक्ति इसी बुखार से पीड़ित है। पिछले शनिवार को भी एक दिन के अंदर 4 लोगों ने यहां दम तोड़ दिया था। ऐसे में 100 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और 12 लोग हायर सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद के अलावा मथुरा, कासगंज, आगरा, एटा, मैनपुरी में भी अब तक बुखार से करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादा तक बच्चे हैं और सबसे ज्यादा 40 लोगों की मौत फिरोजाबाद में ही हुई है। फिरोजाबाद में मरने वालों में 32 बच्चे शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो मैं मौजूद है लखनऊ के सिविल अस्पताल में। कोरोना के बाद अब यहाँ लखनऊ में डेंगू टाइफाइड वायरल ने यहाँ पे पंख फैला लिए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मरीजों का तांता लग रहा है, लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर का तो यही कहना है कि यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। वहीं योगी सरकार का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो डॉक्टर का पैनल है, खासतौर से बच्चों को लेकर खास बेड के इंतजाम भी किए गए हैं। विपक्ष की बात अगर माने तो विपक्ष का भी एक मानना है कि अगर कोरोना से जब ये सरकार नहीं लड़ सकी है तो इन बीमारियों से वो कैसे लड़ेगी। खास तौर से जब बच्चे हॉस्पिटल आ रहे हैं तो डॉक्टर की एक पैनल तैयार किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर की निगरानी में अगर बच्चों को बुखार है तो उनको खास इंतजाम में रखा गया है। वहीं अगर मरीजों की और हम लोगों की बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो इंतज़ार भी करा रहे हैं, और डॉक्टर जो है उनका खुद का ये मानना है कि घरों में भी रह कर वो अपनी निगरानी खुद भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी देखभाल खुद भी कर सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी सिद्दीकी, न्यूज़ वाले। इन सभी मामलों में तेज बुखार के साथ प्लेटलेट्स की संख्या भी अचानक गिरावट के साथ ऐसे तमाम जो लक्षण हैं वो देखे जा रहे हैं मरीजों में। ऐसे में फिरोजाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीता कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि हमने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में व्यवस्था कर रखी है, मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है और बहुत ही जल्दी इस बीमारी से में मौत हो रही है, खासकर बच्चों की। और जिन इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां कैंप का मरीजों का इलाज कराया जा रहा है, वहीं जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि अब देखिए डॉक्टर नीता की तरफ से जानकारी दी गई है। वहीं डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ ने यह भी बताया है कि बड़ी संख्या में लोग बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन वायरस को खत्म करने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लग रहा है, जबकि सामान्य बुखार 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है। वहीं सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ का यह भी कहना है कि मरने वालों में अब तक कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं था, यानी कि यह एक राहत की बात है कि जिस बात का डर था और बार बार जिस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर अब आने वाली है, लेकिन राहत की बात यह है जो बीमारी इन लोगों को हो रही है, जो बुखार इन लोगों को हो रहा है, उसमें कोई भी कोरोना का जो है पेशेंट नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोरोना का भी किसी तरह का लक्षण जो है नहीं मिल रहा। वहीं फिरोजाबाद के अलावा मथुरा में भी अब तक बुखार ने 9 लोगों की जान ले ली है, जबकि कासगंज की बात की जाए तो वहां 3 लोग बुखार की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की भी कमी होने लगी है, और ऐसे में फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में वायरल बुखार से पीड़ित 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज जो है वो किया जा रहा है, और यही हाल आगरा और मथुरा के जिला अस्पतालों का भी है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार महामारी की चपेट में आए गांवों में साफ सफाई फॉगिंग कराई जा रही है और वहां पर छिड़काव भी हो रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम थर्मल स्कैनिंग और सैंपलिंग करने में जुटी है। वहीं मेडिकल कैंप भी लोगों के उपचार के लिए लगाए गए हैं, और ऐसे में वहीं फरहा इलाके में 4 बेड का अस्पताल भी बना दिया गया है, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो और हर मरीज को अस्पताल में इलाज जो है वो सही से मिल सके। ऐसे में लोगों को बीमारियों के बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीम भी महामारी ग्रस्त इलाकों का लगातार दौरा कर रही है। उन्हें
साथ बता दें कि निर्देशन पर उन्हीं के जापानी बुखार स्क्रब टाइफस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए थे और इसके बाद लोगों में अब बीमारी की पुष्टि भी हुई है। वहीं स्थिति की जानकारी लेने के लिए सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं और ऐसे में मेडिकल एजुकेशन और सर्विलांस टीम से तत्काल जाँच कराई जाए ताकि पता चल सके कि ये बीमारी डेंगू है या फिर कुछ और बीमारी है। ऐसे में फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के बाद बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुदामा नगर भी पहुंचे थे जहां पर सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं और उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने से उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी और बातचीत में उन्होंने कहा था कि निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों और निजी क्लिनिकों पर वायरल बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियों की दवा उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम भी सक्रियता से किया जाए और जल भराव को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। जब सरकार को मालूम है कि अगस्त और सितंबर के महीने में चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या मस्तिष्क ज्वर हो, ऐसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी जाती है। देखिए, सरकार की तरफ से तीसरी लहर में जो सरकार ने टास्क फोर्स बनाई थी केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, हमारी राज्य सरकार द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि बच्चों के अंदर जो है तीसरी लहर का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि हम बच्चों के लिए स्पेशल पीकू वार्ड्स, कोविड पीकू वार्ड्स बनाएं जी। उसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड, पूरा एक प्रोफॉर्मा तैयार किया गया जी। उसका एक पूरी, उसमें क्या क्या आपको हमको जरूरत पड़ेगी सामानों की, वो व्यवस्थाएँ कराई गई जी जी। ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कराई गई है। तो पीकू और बच्चों के संबंध में, यानी कि बच्चों के आईसीयू के संबंध में और बच्चों के अंदर कोविड की व्यवस्था के संबंध में तैयारी, मेडिकल कॉलेज आगरा में 100 बेड का पूरा एक हॉस्पिटल तैयार है जी, जी, जी। उस ब्लॉक में 50 आइसोलेशन बेड्स हैं, 20 आईसीयू हैं और 30 एचडीयू बेड्स हैं जी, जी। और उसमें जो भी सामान आवश्यक था एज पर जो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जी। वो पूरा है। सिविल हॉस्पिटल में फीवर के केसेस तो आ रहे हैं लेकिन जाँच कराने के बाद में अभी तक 3 पॉजिटिव निकले थे, जिनमें से 3 को एडमिट भी किया गया। उसमें एक तो बाल रोग विभाग का था और 2 एडल्ट थे, तो 3 थे उसमें से एक तो डिस्चार्ज हो गया है, 2 अभी हैं हमारे पास, उनका इलाज चल रहा है और कंडीशन पहले से बेहतर है। प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा उनकी डाउन नहीं थी, 50,000 के अराउंड में थी। तो ये जो बीमारियाँ हैं क्या इस महीने में ज़्यादा होती हैं? डेंगू का फीवर जो है वो मच्छरों के पनपने से होता है और मच्छर जब पनपते हैं तो वो सीजन बारिश के बाद का ही होता है, तो उसमें ज़्यादा केसेस निकलने की संभावना रहती है। कितने मरीज एडमिट हो चुके हैं आपको बताया? तो मैंने 3 मरीज जो हैं भर्ती हुए हैं, उनमें एक डिस्चार्ज हो गया है, 2 बचे हुए हैं। बीमारियाँ जो है ये खासतौर से अगर हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं या वायरल फीवर जो चल रहा है हर एक घर में हो रहा है, तो कैसे मतलब एहतियात करना चाहिए? वायरल फीवर की बात जहाँ तक है तो वो इस ह्यूमिड, हॉट ह्यूमिड सीजन में अधिक होने की संभावना रहती है और इस समय हॉट ह्यूमिड सीजन चल भी रहा है बारिश के टाइम पे और बारिश जब ख़त्म होने लगती है उस टाइम पे इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, जो कि हो रहा है, दिख भी रहा है। हमारे यहाँ भी 15 से 20% तक फीवर के केसेज बढ़े हैं और बाकी तो सब नॉर्मल, वैसे ही पहले चल रहा था वैसे ही है। टाइफाइड की जहाँ तक बात है तो टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीज में ही आता है, ओरल फीको ओरल रूट से होता है। वही देखिए, अब डॉक्टरों का कहना है कि बुखार से पीड़ित लोगों में डेंगू, मलेरिया के अलावा जापानी
बुखार जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। साथ ही फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह इन अफवाह को खारिज कर रहे हैं कि बच्चों की मौतों की वजह कोरोना की तीसरी लहर है। वहीं प्रशासन का दावा है कि बच्चों समेत अब तक जिन लोगों की भी मौतें हुई हैं उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं था। यानी कि दो बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो प्रशासन कुछ कहता नजर आ रहा है और डॉक्टर्स कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद का ज्यादातर इलाका वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया की चपेट में आ चुका है और ऐसे में सैकड़ों की संख्या में बच्चे बुखार से प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों का वार्ड भर जाने के बाद कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भी अब बुखार पीड़ित बच्चों को भर्ती कर दिया गया है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में मंगलवार शाम को मरीजों की भीड़ सामान्य से ज्यादा रही। ऐसे में बच्चों के परिजन बारिश की वजह से पॉलिथीन में मेडिकल रिपोर्ट लिए हुए अस्पतालों में नजर आए। यहां मंगलवार शाम तक 300 बेड की सुविधा वाले अस्पताल में 210 बच्चों की को भर्ती किया गया था। ऐसे में कन्नौज, इटावा और आगरा के डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात किया गया है। यानी कि साथ ही अधिकारियों का यह भी कहना है कि बच्चों की कोरोना जांच भी की जा रही है लेकिन अभी तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिल सका है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में डेंगू का इस तरह का कहर कभी नहीं देखा। हालांकि फिरोजाबाद सदर क्षेत्र से बीजेपी विधायक मनीष असीजा के मुताबिक इस मच्छर जनित बीमारी से जिले में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो चुकी है। विधायक असीजा ने बताया है कि सोमवार रात 3 लोगों और मंगलवार को 2 और लोगों की मौत के साथ जिले में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद जिले में डेंगू की वजह से 44 लोगों की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का तबादला कर दिया। शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक फिरोजाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीता कुलश्रेष्ठ को हटाकर अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में सीनियर कंसल्ट पद पर उन्हें भेज दिया गया है। उनके स्थान पर हापुड़ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी को फिरोजाबाद का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना दिया गया है। हालांकि आदेश में नीता कुलश्रेष्ठ को हटाने का कारण नहीं बताया गया। वहीं देखिए, एक तरफ तो बच्चे अब दम तोड़ रहे हैं और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में डेंगू और अन्य तरह के बुखार से लोगों की मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर केवल सत्ता बचाने में व्यस्त रहने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में लचर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से जनता बेहाल है। बारिश और जल बहाव की वजह से संचारी रोग तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में जल जनित बीमारियों से संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं सरकार की ओर से संक्रमण रोकने की दिशा में कोई प्रयास भी नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल से 56 मौत होने के बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार से सत्ता बचाने के लिए जुगत में जुटी हुई है जबकि राजधानी लखनऊ और समीपवर्ती जिले टाइफाइड की चपेट में है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में अब तक टाइफाइड से लगभग 100 लोग प्रभावित हो चुके हैं और जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का भी अकाल है। सपा मुखिया ने कहा कि प्रचार में लीन बीजेपी सरकार नींद से जागे और लखनऊ और प्रदेश के तमाम शहरों, बस्ती और गांवों में फैल रहे इस खतरनाक जानलेवा बुखार से प्रभावित होने वाले बच्चों और बड़ों के लिए स्थानीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित भी करे। वायरल बुखार से राज्य के बाल बच्चों वाले परिवार बेहद ही चिंतित और भयभीत हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। कोरोना वैश्विक महामारी में भी आम जनता का भरोसा सरकार ने तोड़ दिया। इलाज, बेड, ऑक्सीजन संकट के समाधान में बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल रही। साथ ही वैक्सीनेशन के नाम पर हो हल्ला मचाने वाली बीजेपी सरकार वैक्सीन आपूर्ति में ही पिछड़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सरकार को घेरा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर फिरोजाबाद पहुंची थी और उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के परिजनों से मुलाकात के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था। लल्लू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार से मांग की कि
मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और मेडिकल कॉलेज में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाए, साथ ही साफ सफाई व्यवस्था जो है और बेहतर बनाया जाए, ऐसे में ताकि बीमारी की रोकथाम की जा सके। उन्होंने कहा कि न केवल फिरोजाबाद बल्कि मथुरा, कासगंज और एटा में भी इस बुखार का प्रकोप फैला हुआ है। प्रदेश सरकार विशेष तौर पर यह जांच कराए कि बुखार डेंगू है या कोई अन्य वायरस है। वहीं देखिए बीजेपी और कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने नजर आ रही है, आपको भी सुनाते हैं। जब सरकार को मालूम है कि अगस्त और सितंबर के महीने में चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या मस्तिष्क ज्वर हो, ऐसे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी जाती है, ये बीमारी अपनी गिरफ्त में हजारों लोगों को ले लेती है, फिर भी ऐसा सरकार न तो सक्रिय होती है ना तो उसके पहले कोई इस तरह की तैयारी करती है कि इन रोगों से कैसे लोगों को बचाया जाए। तो यह साफ है कि यह सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर पूरी तरह से निष्क्रिय है, या तो हम ये कहें कि यह पूरी तरह से असमर्थ है। इंतजाम पूरा कर लिया है तो इंतजाम अगर है तो फिर जो मौतें हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? या तो सरकार खुद ले या तो अपने अधिकारियों पर उसकी जिम्मेदारी डाले, और अगर अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी डालती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम प्रत्येक चीज़ की निगरानी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ना तो मंत्रिमंडल मंत्री की ज़रूरत है और ना ही अधिकारियों की ज़रूरत है। ऐसा कैसे संभव है कि एक मुख्यमंत्री सभी विभागों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ले? इसका मतलब उनको अपने मंत्रियों पर, अपने अधिकारियों पर कोई विश्वास नहीं है या उनकी कार्यक्षमता पर कहीं कहीं से संदेह है। देखिए, सभी जिले के जिला अधिकारियों को और CMO को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था रखी जाए, दवाओं की व्यवस्था रखी जाए, और जो बच्चे खासतौर से इस समय जो ज़्यादातर बच्चों पे ही हमला होता है क्योंकि बरसात का समय चल रहा है और ये हर वर्ष जो है ये समय ऐसा आता है कि इस तरह की बीमारियां आती हैं, और सरकार इनको लेकर के विजिलेंट है। जहाँ पर लापरवाही की गई है वहाँ के लोगों को हटाया भी गया है, कार्रवाई भी करी गई है, और डॉक्टर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बीमारियों पर जो पहले परिणाम आते थे उसमें काफ़ी कमी आई है। कुछ जगह हॉस्पिटल में कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोरोना के काल में हॉस्पिटल्स में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बेड्स बढ़ाए गए हैं, तमाम ICU नए बने हैं, तमाम नए अस्पताल भी सरकार ने हमारे बनाए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी से 70 साल में कालती जो है 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर थे, आज 35 से ऊपर की संख्या मेडिकल कॉलेज की हो चुकी है, 2 एम्स भी बनाए जा चुके हैं। इसका सारा श्रेय जो है योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। हालांकि अब देखिए जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं, यूपी और कई जिलों में इस बुखार से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और आखिर में बस ये कहकर अपनी बातों को खत्म करेंगे कि भले ही IIT कानपुर ये दावा पेश कर रहा हो कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन वो लोग जरूर चिंता में हैं जिनके बच्चे हैं या फिर जो आने वाले कुछ दिनों में माता पिता बनने वाले हैं। लोग चिंतित हैं और उनकी ये चिंता लाजमी इसलिए भी है क्योंकि देश ने तमाम लोगों को कोविड की दूसरी लहर में मरते देखा और साथ ही देखा था सरकार का हाथ पर हाथ रखकर बैठना और ढीला एटीट्यूड और मामले में भद्दी राजनीति होती भी हर किसी ने देखी थी। और साथ ही बता दें इसीलिए चिंता और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि यूपी में अब जो ये रहस्य में बुखार फैल रहा है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे ही इसकी चपेट में आ रहे हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा चिंता यही हो जाती है कि कहीं तीसरी लहर जो है वो एकदम से ना आ जाए, क्योंकि अगर तीसरी लहर आई और बच्चों पर इसका ज्यादा असर देखा गया तो हालात क्या होंगे ये हर कोई इसका अनुमान लगा सकता है। और देखिए दूसरी लहर में जो हालात थे इससे चिंता करना भी लाजमी है क्योंकि हालात वैसे ही थे जैसे आजकल अब नजर आने लगे हैं। आजकल जिस तरह से कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं उससे स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित नजर आ रहा है और यूपी में जिस तरह से ये बुखार फैल रहा है उसने हर किसी की चिंता जो है वो बढ़ा कर रख दी है और इसीलिए खुद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरह से
एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन जिलों का उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं इस बुखार की चपेट में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इन दिनों यूपी में भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, हालात जो हैं वो काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जाते जाते आपसे बस यही अपील है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने परिवार और बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। नमस्कार।